अस्सलाम वालेकुम। मिनट्री, ये फुली ऑटोमेशन है। स्पेशल केमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट हैं वो हम इस पे कर सकते हैं। इसका है CL900I, फुली ऑटोमेटेड है। उस पे तकरीबन स्पेशल केमिस्ट्री के सारे टेस्ट जो हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, फर्टेलिटीज हार्मोन्स जितने भी हैं, FSHL, प्रोलैक्टिन, बीटा HCG, इसके अलावा ट्रॉप आई हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तकरीबन हार्मोन्स के जितने भी टेस्ट हैं वो इस पे परफॉर्म हम कर सकते हैं। इसके साथ एक ये सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होता है कंप्यूटर सिस्टम, साथ में आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा। इसके ज़रिए आप यहाँ पे पोजीशन की सैंपल आईडी और पोजीशन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मेन स्क्रीन है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट, रीजन्स। रीजन्स पे क्लिक करेंगे तो जो रीजन्स आपके इसके अंदर लोड हैं वो आपको सारे दिख जाएंगे। प्रोग्राम में जाके आप पेशेंट आईडी और टेस्ट वगैरह जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सामने दिख रहे होंगे LCD के बिल्कुल सामने कप पड़े हैं, सीरम कप इन्हें बोलते हैं। इसके अंदर आप पेशेंट का सीरम डाल के यहाँ पे पोजीशन में आपने रखना होता है उसको। ये जो दो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट और आर और एल लिखा हुआ है, ये राइट और लेफ्ट सबस्ट्रेट है। यहाँ पे इनके कोई टेम्परेचर का खास इशू नहीं होता, इनको आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। इसके अंदर दो पड़े होंगे सबस्ट्रेट सोल्यूशन हमारे पास, ये वाले राइट और लेफ्ट दोनों हैं। इसका ये होता है कि इसको आपने लोड करने से पहले निकाल के रखना पड़ता है तकरीबन कम अज़ कम 1 घंटे के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर फुली आ जाते हैं तो फिर आपने इसको स्कैन करके लोड कर देना होता है, और लोड करके इसके स्क्रू को, लेड को थोड़ा सा लूज़ कर देना होता है आपने, ताकि एयर उसमें क्रॉस होती रहे। यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे होंगे, ये वाले एक प्ले बटन है ग्रीन कलर वाला, और यहाँ पे सैंपल पोजीशंस हैं। तकरीबन यहाँ पे हम लोग 50 टेस्ट रन कर सकते हैं एक वक्त में। जो पोजीशन है 1, 2, 3, 4, ये 50 तक है। और ये जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको छोटी सी डब्बी सी, ये इसमें आप लोग डिटर्जेंट सी होता है सोल्यूशन, इसका वो डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको मूव कर सकते हैं पोजीशन को, जितने सैंपल होंगे उसको अपलोड करते जाएंगे। ये 50 तक होंगे एक वक्त में, 50 टेस्ट आप लोग रन कर सकते हैं इसमें। ये दो बटन लगे हुए हैं लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करने के लिए। ये देखते हैं आप, ये जो ग्रीन वाला बटन है ये प्ले करने के लिए होता है। टेस्ट आप लगाने के बाद, आईडी देने के बाद, सैंपल रखने के बाद आप लोग अगर इसको क्लिक कर देते हैं तो आपके टेस्ट रन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जितने भी आप लोड करेंगे। ये देख लें 50 पोजिशन हैं। किसी भी पोजिशन में आप लोग ऊपर अपनी मर्ज़ी से पोजिशन भी ऊपर डाल सकते हैं, और अगर आप मर्ज़ी से पोजिशन नहीं देंगे उसमें तो फिर ऑटोमेटिकली वो नंबर वाइज पोजीशन में चलती जाएगी 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आगे, सो ऑन। ये देखें लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं आप इसे। इसके साथ ही जो पीछे वाला बॉक्स दिख रहा है इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर किट्स पड़ी होंगी, ठीक है। जितने भी किट्स हम लोग स्कैन करके लोड कर देते हैं इसके अंदर पड़ी होती हैं। और यहाँ इसका टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि जो आपके पास फ्रिज का टेम्परेचर है ना, इस वाले को आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको किट्स दिखेंगी सारी। इसको हल्का सा राइट मूव करके फिर ऊपर उठाना होता है, लॉक होता है इसके अंदर। ये सारी किट्स जो है हमने स्कैन करके इसके अंदर लोड की हुई है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो फ्रिज का टेम्परेचर होता है, यूँ समझ लें 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रखते हैं, होता है इसका ऑटोमेशन। और ये ऑन रहता है, मशीन का सॉफ्टवेयर ऑफ भी होगा तो आपका ये रेफ्रिजरेटर ऑन रहेगा ताकि किट्स का जो टेम्परेचर आउट ना हो। इसको भी आप लेफ्ट और राइट उन्हीं बटन के साथ मूव कर सकते हैं। जब किट चेंज करनी हो तो अगर आप इस यहाँ से कोई भी किट निकाल के उसे फ्रिज में रख देंगे और उसकी जगह पे कोई किट और आप लोड कर देंगे, एक दफ़ा स्कैन की हुई होगी तो ये खुद ही उसे उठा लेगी, हर बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए इनको भी हम लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए ऊपर रख के फिर आपने लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा इसे घुमा देना है। ये हमारे पास इसके साथ जो सिस्टम अटैच होता है, PC अटैच होता है, वो पड़े हैं। सारी इसकी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है। यहाँ से हमने इसी के ज़रिए कीबोर्ड के ज़रिए आईडी और ये सारा कुछ देना होता है। ये इसका स्कैनर पड़ा हुआ है, जो भी किट हम लोड करेंगे, सबस्ट्रेट लोड करेंगे तो पहले उसको स्कैन करेंगे, वो इसके अंदर स्कैन जब हो जाएगा तो फिर हम लोड कर देंगे।